आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। हमारी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना चल रही थी, उसकी आज चौथी क्लास है। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमिलित नहीं है? पहला पांचला बांध या पांचला परियोजना करौली जिले में, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। दूसरा मानसी वाकल परियोजना डूंगरपुर जिले में, जो कि कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, सही सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अब मानसी वाकल परियोजना कहां पर है? उदयपुर में। मानसी वाकल परियोजना कहां है? उदयपुर में। सोम कागदर परियोजना कहां है? उदयपुर के अंदर। और डूंगरपुर में कौन सी है? डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में। और इसके अलावा डूंगरपुर जिले में कौन सी है? बीकाबाई सागवाड़ा परियोजना भी डूंगरपुर जिले में। ओरई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में, बिल्कुल सही है। और गुड़ा परियोजना बूंदी जिले में, बिल्कुल सही है। इसके अलावा बूंदी जिले में मेज परियोजना बूंदी जिले में, इसके अलावा चाकण परियोजना बूंदी जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। पहला सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सोम कागदर परियोजना राजसमंद जिले में, जो कि कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का, क्योंकि सोम कागदर परियोजना कहां है? उदयपुर में। और मानसी वाकल परियोजना कहां है? उदयपुर में। और सेई परियोजना कहां है? उदयपुर में। क्योंकि सेई परियोजना के तहत जवाई बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए सही परियोजना चलाई गई थी, जो कि उदयपुर में। इसके अलावा सावन भादो परियोजना कहां है? कोटा में, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कोटा में तकली परियोजना कहां है? कोटा में। सावन भादो परियोजना कहां है? कोटा के अंदर। इसके अलावा हरिश्चंद्र परियोजना भी कोटा के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का, जो कि राजसमंद में नहीं है, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में। और चौथा ऑप्शन है कि नौर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू जिले में, बिल्कुल सही है। चौथा भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोम नदी पर उदयपुर में सोम कागदर परियोजना संचालित की जा रही है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। और डूंगरपुर में कौन कौन सी परियोजना है? तो डूंगरपुर में एक सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में, एक भीकाबाई सागवाड़ा परियोजना माई नदी पर डूंगरपुर के अंदर है। इसके अलावा चित्तौड़ के अंदर ओराई परियोजना और बांसवाड़ा के अंदर माई बजाज सागर परियोजना कहां पर है? बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में करवाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सेई परियोजना का निर्माण कोटरा तहसील में करवाया गया था, उदयपुर की कोटरा तहसील। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? गांधी सागर बांध, ज्वार सागर बांध, हरि के बैराज बांध या जवाई बांध? तो इसका राइट आंसर होगा जवाई बांध, जो जवाई नदी पर पाली के अंदर बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और इस जवाई बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए सेई बांध परियोजना के माध्यम से जुवाई बांध में पानी डाला जाता है। इसका राइट आंसर होगा चार नंबर का। इसके अलावा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, मध्य प्रदेश में बना हुआ बांध है। ज्वार सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में बना हुआ है। और हरि के बैराज बांध सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरि के बैराज बांध बना हुआ है, और जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पवन वृत सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? धौलपुर, झालावाड़, चित्तौड़ या कोटा? तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ के निकट परवन नदी पर परवन सिंचाई परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 1821 गांव को पेयजल उपलब्ध होगा, साथ ही साथ 12 कोटा और झालावाड़ जिले के 737 गांव को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
किससे? प्रवन वृद्ध सिंचाई परियोजना से। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रवन वृद्ध सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन कौन से जिले को पेयजल उपलब्ध करवाता है या सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है? आपका आंसर होगा कोटा, झालावाड़ और बारा जिले को, 737 गांव को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाएगा। अगला क्वेश्चन, किन्हें प्रवन वृद्ध परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़, बारा व कोटा जिले के 737 गांव को सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, सावन भादो परियोजना कोटा में बिल्कुल सही है, परवन लिफ्ट परियोजना जयपुर में गलत है, क्योंकि परवन लिफ्ट परियोजना कहां है? झालावाड़ में है। झालावाड़, बारा व कोटा इन तीन जिलों में मानी जाती है मुख्य रूप से। इसके अलावा सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में बिल्कुल सही है, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का। अब मैं आपको बता देता हूं कि कोटा जिले में और कौन कौन सी लघु परियोजना है। इसके अलावा कोटा जिले में हरिश्चंद्र परियोजना कोटा जिले के अंदर है, तकली परियोजना कोटा जिले में है, इसके अलावा सावन भादो परियोजना कोटा जिले में है, इसके अलावा सोम कमलाम्बा परियोजना डूंगरपुर में, इसके अलावा भीकाबाई सागवाड़ा परियोजना भी डूंगरपुर जिले में, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में और सोम कागदर परियोजना उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रावी व्यास नदी का अतिरिक्त पानी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को प्राप्त होता है। इसका मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदी का अतिरिक्त पानी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के तहत राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला व चूरू जिले को सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। इसके लिए 1981 में पंजाब हरियाणा व राजस्थान के मध्य एक समझौता हुआ था और इसी के तहत सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना निकाली गई थी। और इसके तहत ये निर्धारित किया गया कि हनुमानगढ़ जिले के दो तहसीलें, हनुमानगढ़ जिले की दो तहसील, एक नहर तहसील और एक भादरा तहसील, नहर व भादरा तहसील हनुमानगढ़ की, इसके अलावा चूरू की दो तहसीलें, एक राजगढ़ तहसील व तारागढ़, इन चार तहसीलों को राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। और ये रावी व्यास नदी का अतिरिक्त पानी जो इस राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को पानी प्राप्त होगा, इसके तहत गंगानगर जिले के कुछ हिस्सों में भी सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? हनुमानगढ़ जिला बिल्कुल करता है। हनुमानगढ़ जिले की दो मुख्य तहसीलें, एक नहर तहसील और एक भादरा तहसील। श्रीगंगानगर जिले का कुछ हिस्सा सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना से सिंचाई करता है, बिल्कुल सही है। और बीकानेर जिला इससे लाभान्वित नहीं होता है। और चूरू जिले की दो तहसीलें, एक राजगढ़ तहसील और एक तारागढ़ तहसील। तो इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर, जो कि सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई के लिए जल प्राप्त नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का। और आपको मैं बता दूं कि सिद्धमुख परियोजनाओं के लिए यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। किसके द्वारा? यूरोपियन आर्थिक समुदाय के द्वारा सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्ध क्षेत्र सुमिलित नहीं है? पहला कंवरसैन बीकानेर व गंगानगर, बिल्कुल सही है। गंदेली साहिबा चूरू, बिल्कुल सही है। गजनेर या पन्नालाल वारूपाल बीकानेर नागौर जिला, बिल्कुल सही है। राजीव गांधी जैसलमेर, ये गलत है, क्योंकि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना मुख्यतः किसको जल उपलब्ध करवाती है? एक हनुमानगढ़ व चूरू जिले को। इसका राइट आंसर होगा सही सुमिलित नहीं है, चार नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है, गंग नहर गंगानगर व बीकानेर को
पानी उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल सही है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। सिद्धमुख परियोजना पंजाब हरियाणा व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संयुक्त परियोजना गलत है, क्योंकि सिद्धमुख परियोजना पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इनमें से रावी व्यास का अतिरिक्त पानी हनुमानगढ़ व चूरू जिले की राजगढ़ व तारागढ़ तहसीलों को पानी प्राप्त होगा, और ये पंजाब हरियाणा व राजस्थान के मध्य 1981 के अंदर यह समझौता हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% और गुजरात की हिस्सेदारी 55% मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ व चूरू जिला। हनुमानगढ़ के 2 तहसीलें, एक नोहर तहसील और एक भादरा तहसील। इसके अलावा चूरू की 2 तहसीलें, एक राजगढ़ तहसील और एक तारागढ़ तहसील, इन 2 जिलों को सिंचाई प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में गंगानगर को भी सिंचाई प्राप्त होती है सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का कौन सा जिला? तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर जिला। यमुना नदी से निकाली गुड़गांव नहर परियोजना राजस्थान के भरतपुर जिले को लाभान्वित करती है। इसी के साथ वर्तमान में देखा जाए तो डींग जिला, जो कि भरतपुर से लगवा, इन दोनों को लाभान्वित करने वाली गुड़गांव नहर परियोजना, जो कि यमुना नदी से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी नहीं है? भाखड़ा नागल परियोजना है, व्यास परियोजना है, गुड़गांव नहर परियोजना ये नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। सिद्धमुख परियोजना ये भी राजस्थान पंजाब और हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में माई नदी की सहायक नदी जाखम नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया है। यह प्रतापगढ़ जिले के अनुपुरा गांव के अंदर जाखम बांध बना हुआ है जाखम नदी पर। इस जाखम बांध का शिलान्यास राजस्थान के तात्कालिक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 14 मई 1968 में जाखम बांध का शिलान्यास किया गया था, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। 81 मीटर ऊंचा है जाखम बांध, जो कि जाखम नदी पर बना प्रतापगढ़ जिले के अनुपुरा गांव में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 81 मीटर मानी जाती है। और जाखम बहुउद्देशीय परियोजना के तहत राजस्थान के 4 जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो वह राजस्थान के एक तो प्रतापगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, इसके साथ चित्तौड़गढ़, उदयपुर और वर्तमान में ये सलमबर जिले को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो जाखम बांध से कौन से जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो आपका आंसर होगा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलमबर और उदयपुर, इन 4 जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना के तहत। इतनी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिले को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करती है। ये तो पुराने जिलों के हिसाब से, और नवीनतम जिलों में एक सलमबर जिले को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती, कौन सी? जाखम सिंचाई परियोजना के तहत। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, राजस्थान के तात्कालिक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा जाखम नदी पर बना जाखम बांध का शिलान्यास 14 मई 1968 के अंदर किया गया था। और ये जाखम बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो राजस्थान के 4 जिले को जल को आपूर्ति करती है, एक प्रतापगढ़, एक चित्तौड़गढ़, एक सलमबर और एक उदयपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? जवाई परियोजना, तो जवाई परियोजना जवाई नदी पर, जो कि पाली में स्थित है। जाखम परियोजना, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और माही बजाज सागर परियोजना, ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है। और बिशनपुर परियोजना, ये टोंक जिले में है।
अगला क्वेश्चन, जर्मनी द्वारा पोषित अपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? तो इसका राइट आंसर होगा चूरू व हनुमानगढ़ जिले में अपनी योजना संचालित की जा रही है जर्मनी के सहयोग से। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का, और चूरू हनुमानगढ़ और इसके अलावा एक झुंझुनू जिला भी इस अपनी योजना के अंतर्गत आता है, झुंझुनू जिला याद रखना। अपनी योजना जो जर्मनी की आर्थिक सहायता से चूरू हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिले में संचालित की जा रही है, ये तीन जिले याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1989 के अंदर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1989 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ये बीकानेर जिले में स्थित है, बीकानेर जिले में जल विज्ञान एवं प्रबंधन संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर जिले में 5 अक्टूबर 2021 को हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर होगा दो नंबर का, जोधपुर जिले से यह प्रारंभ किया गया था 5 अक्टूबर 2021 को। अगला क्वेश्चन,